देखिए लेसन वन आपका चैप्टर है सेट। सेट माने समुच्चय। समुच्चय पहले ये जाने समुच्चय किसे कहते हैं, यानी कि सेट किसे कहते हैं, जिसे सजाकर किसी नियत क्रम में व्यक्त किया जा सके या व्यक्त किया जाता हो उसे समुच्चय यानी कि सेट कहते हैं। इसे मझौला कोष्टक का चिन्ह, मझौला कोष्टक के चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। समुच्चय के कई अलग अलग नाम होते हैं, इसको जान जाएं। पहला नाम होता है इसका कूलक, दूसरा नाम होता है रोस्टर रूप, अगला इसका नाम होता है सारणीबद्ध रूप, अगला इसका नाम होता है सूचीबद्ध रूप, और अगला नाम होता है प्रतीकात्मक रूप। यानी कि समुच्चय न लिख के ये भी लिखता है तो आप समझिएगा कि समुच्चय ही पूछ रहा है। अब समुच्चय के प्रकार, अब जाने समुच्चय के प्रकार। ये इसके मेन तीन ही टाइप होते हैं, इसके मेन तीन प्रकार होते हैं। ऐसे तो कई प्रकार होते हैं, हम सबके बारे में बताएंगे, लेकिन मेन इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमित समुच्चय, दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय, और अगला होता है रिक्त समुच्चय। पहला परिमित समुच्चय, दूसरा अपरिमित समुच्चय, तीसरा रिक्त समुच्चय। परिमित किसे कहा जाता है, जिसके अवयवों को गिना जा सके तो वो क्या कहलाता है, परिमित। यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंटेबल सेट। अपरिमित को इंग्लिश में बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, और एक समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। अब जाने हम अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, जिसके अवयवों को न गिना जा सके। सेम इसका अपोजिट है, ये है कि गिना जा सके, ये है कि न गिना जा सके। और रिक्त समुच्चय का डिफिनेशन होता है, जिसमें किसी घटना का घटित होना संभव न हो। अब सबका हम अलग अलग टाइप में एग्जाम्पल लेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है किसी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का समुच्चय। क्योंकि हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं कि कितने विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, तो इसे कौन सा समुच्चय कहेंगे, परिमित समुच्चय। और परिमित का एग्जाम्पल है आकाश में कुल तारों का समुच्चय। आकाश में कितने तारे हैं इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, तो ये कौन सा समुच्चय है, अपरिमित। ये है इसका एग्जाम्पल हम लें तो इसका विश्व में सिंह वाले घोड़े का समुच्चय। क्योंकि विश्व में सिंह वाले घोड़े कहीं होते ही नहीं है, ये कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। परिमित माने गिना जा सके, अपरिमित माने न गिना जा सके, रिक्त माने जो कभी घटित ही ना हुआ हो, जैसे आपका सिर काट दिया जाए आप जिंदा हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह जो हमेशा काम करेंगे आपको, हमेशा ये एग्जाम में भी अधिकतर पूछता है कि चिन्ह कौन कौन से, किसे किस चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिए, इसे बोलते हैं हम सेट। सेट माने
समुच्चय। लेकिन ठीक इसके नीचे यदि ऐसे लग जाए तो उसे हम कहते हैं सबसेट, यानी कि उप समुच्चय, उप समुच्चय। यदि इसका उल्टा ऐसे कैप बना दे तो इसे कहते हैं हम सुपर सेट, सुपर सेट, उचित समुच्चय, उचित समुच्चय। और ठीक इसका यदि नीचे कैप जैसा बन जाए तो इसे हम कहते हैं सुपर सबसेट, सुपर सबसेट, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। यदि यही यदि ऊपर से ऐसे कैप बन जाए, दाएं बाएं कैप न बन के ऊपर बन जाए तो इसे हम कहते हैं यूनियन, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय। फिर यदि यही कैप नीचे बन जाए, ऐसे आगे आगे बताने का हम कोशिश कर रहे हैं, यही कैप यदि हम नीचे बना दें तो इसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, यानी कि उभयनिष्ठ। ये आपका 12 में भी काम करेगा, 12 में सबसे पहला चैप्टर यही है, उभयनिष्ठ समुच्चय। या किसे कितने लोग इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये भी सही है। यदि ऐसे बन जाए, आयत जैसा बना के यू बना दे तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसे हम बोलते हैं हिंदी में समष्टीय, समष्टीय समुच्चय, समुच्चय। यदि ऐसे दो बिंदु लग जाए तो इसे हम बोलते हैं सच दैट, सच दैट, जैसे कि। इस चिन्ह को आप जानते होंगे, चुकी है, चुकी है, सॉरी ये इसलिए है, ये है चुकी। इस चिन्ह को आप जानते ही हैं, इस चिन्ह को भी जानते हैं, ये चिन्ह आप जानते हैं, ये क्या है बराबर। यदि ऐसे बन जाए तो उसे हम कहते हैं समुच्चय। ये समुच्चय का चिन्ह है और ये समुच्चय के अवयव की गिनती कराता है, ये समुच्चय के अवयव, अवयव की गिनती कराता है ये, और ये समुच्चय का चिन्ह है। तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है, आगे कॉल बताएंगे हम।